नमस्ते मैं संकल्प कांस्टिया स्वागत है स्वाग आपका इस नए सेशन गाइस सो तो गाइस गाइस आज कहानी को अपन आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल मूव ऑन टू द पॉइंट सब याद है ना पॉइंट्स ए बी सी डी एफ जी एच जी तक हो गया है अपना इजी लग रहा है अभी तक एंड इजी है इज अब पहले ना ऑपरेशन रिसर्च हुआ करता था ओ आर कॉस्टिंग के साथ सी ए फाइनल लेवल पे सी एम ए फाइनल लेवल पे अभी भी है फाइनल लेवल पे हुआ करता था ऑपरेशन रिसर्च ओ आर उसमें एक चैप्टर था उसका एक छोटा सा पार्ट अडॉप्ट किया है और उन्होंने यहां पे डाला है सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट सो सिम्युलेशन के बेसिस पे सिम्युलेशन के बेसिस पे अंडरस्टैंड के उसको कैपिटल को कैसे अपने को यूज करना है so, इसमें क्या होता है है क्या रैंडम नंबर्स होते हैं ठीक है वो रैंडम नंबर बेसिस पे आते हैं सिम्युलेशन का मतलब होता है क्या तो से फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटा बेस बना लूंगा जैसे इंस्टीट्यूट है ना इंस्टीट्यूट कई बार क्या करता है एक सिम्युलेशन के बेसिस पे एग्जाम पेपर बनाता है तो वॉट डज दैट मीन

एग्जाम होगा कुछ दूसरे को जुटाएगा तो उसे एक सिम्युलेशन पैटर्न सेट हो जाता है कि भाई ये होने के चांसेस है वैसे यहाँ पे सिमुलेशन है सो so एक एक पैटर्न सेट हो जाता है और उस पैटर्न के बेसिस पे अपन कैश फ्लो चूज करते बट पे जो पैटर्न है दैट इज बेस्ड ऑन अ रैंडम नंबर्स सो इधर अपने को लिखने का कैश फ्लो आर बेस्ड ऑन रैंडम Based on selection of random numbers, cash flows are based on selection random. नंबर्स और ये रैंडम नंबर्स आते हैं बेस्ड ऑन सिमुलेशन बहुत सिंपल है आ जाओ इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड आई थिंक विल बी क्लियर सो सिमुलेशन का उन्होंने अपन लिया है क्या चल सिमुलेशन टेक्निक को समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए वी विल टेक द यूज ऑफ आवर फेवरेट मैजिक बुक जी सो आप लोग सब लोग को मैजिक बुक ओपन करना है कैपिटल बजेटिंग का एंड वहां से अपन लोग ये सम को सॉल्व uh, करेंगे ओके गाइस चलो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद टू एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट और फिर बाद में कल एक एक्सप्लेनेशन दिया है वो ठीक है मेन ये है बाबूजी मेन क्या है मेन ये है एनुअल कैश फ्लोज दिया है प्रोबेबिलिटी दिया है प्रोजेक्ट लाइफ दिया है और प्रोबेबिलिटी दिया है और फिर बाद में इसके बेसिस पे अपने को सिम्युलेसन लगाना है और अगर तुम लोग नोट करोगे तो देखो नेक्स्ट पेज पे कुछ दिया है जिसको अपन ने नाम दिया है रैंडम नंबर क्या आपको ये दिखा राइट right? वैसा अब सिम्युलेशन में ना एक सिस्टम होता है जैसा मैंने आपको बोला कि सिम्युलेशन में पढ़ा चुका हूं पहले के सिलेबस में एक चैप्टर ही था तो उसमें हम लोग क्या करते थे कुछ स्टेप्स थे स्टेप वन कैलक्यूलेट क्यूम्युलेटिव प्रॉबिलिटी क्या अपने कोटिव प्रोबिलिटी कैलकुलेट करने को आती है बहुत ईजी है अभी दो मिनट में सिखा दूंगा अगर नहीं भी आती होगी तो यूज किया होगा अभी ध्यान में नहीं होगा एन फिर आज में आता है स्टेप टू ठीक है स्टेप टू होता है बेस्ड ऑन क्यूम्यूलेटिव प्रॉबिलिटी बेस्ड ऑन क्यूम्यूलेटिव प्रॉबिलिटी क्रिएट रेंज

आपके रैंडम नंबर आएंगे सो स्टेप थ्री अच्छा ये तो ये स्टेप सी मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं स्टेप थ्री है बेस्ड ऑन अबोव रेंज एलोकेट create a range based on random numbers based on random numbers huh. based on above range allocate the cash flows and अदर एलिमेंट तो अभी आओ बताता बताओ कैसे वो चीज करनी है लिख लो एक बार लिख लो ये चीज एंड देन आई टेक यू थ्रू राइट इट डाउन गाइस वेरी सिंपल थिंग सो नो नीड टू वरी एट हो अब इसको अप्लाई करते हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं अब इसको अप्लाई करते हैं आ जाओ सो देखो यहां पे तुम लोगों को दिख रहा होगा वैल्यू और यहां पे दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी। तो अब इसके लिए अपने को यूज करना है फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एंड प्रॉबिलिटी देखो क्या क्या वैल्यू है टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी ठीक है सो टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी ठीक है अब फिर दिया है प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी देखो क्या दिया है पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन फाइव थ्री पॉइंट टू पॉइंट वन फाइव ठीक है इसके बेसिस पे अपने को अभी क्या कैलकुलेट करना है स्टेप वन कैलक्यूलेट प्रोबेबिलिटी सो वी विल राइट यूम्यूलेटिव प्रॉबिलिटी पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट सिक्स फाइव

लास्ट इज रेंज चलो अब देख रेंज का बस एक ही सीन है इट स्टार्ट विदो जीरो से जब वो जीरो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना इट इज जीरो जीरो अभी कितने है? दो एस्पेक्ट दो डिजिट है यहां पे जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो टू तो जीरो जीरो एंड एक जीरो वन फिर यहां पे जीरो टू से जीरो फोर जो भी यहां पे है ना उससे एक माइनस कर देने का तो नाइनटीन थर्टी फोर सिक्सटी फोर एटी फोर एंड यहां पे एक ऐड कर दो फाइव ट्वेंटी थर्टी फाइव सिक्सटी फाइव एटी फाइव कोपड़ी समझे नहीं समझे क्या ये देखो ये यहाँ पे गेम इधर दो इसमें नंबर्स होने चाहिए तो ये रेंज बन गया जीरो 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 वन। फिर में यहाँ पे पांच नंबर होने चाहिए सो दो तीन चार सॉरी ये देखो हा इधर तीन सो दो से पांच तीन नंबर है यहाँ पे सो दो तीन चार यार बचपन के की भी चीजें है यार समझे क्या तुम तो लोग फिर यहाँ पे पंद्रह होने चाहिए तो पांच से उन्नीस और पंद्रह बीस से चौतीस ऐसे करके समझे क्या क्लियर है सबको ठीक है अगर क्लियर है तो आइडियली इसका तुम लोग को खुद बनाना चाहिए प्रोजेक्ट लाइफ वैल्यू प्रोबेबिलिटी दिख रहा है उसका तुम लोग को खुद बनाना चाहिए चलो आ जाओ बनाओ ट्राई करो तो सेकंड है प्रोजेक्ट लाइफ सर डे सिम्स है थो हाँ थो ये ऐड किया ये ऐड किया hmm. और एक चीज ध्यान में रखने का ये जो है ना वो माइनस वन होता है ये जो है ना माइनस वन होता है ये जो है ना माइनस वन होता है ये जो है ना माइनस वन होता है वैसा सेकेंड प्रोजेक्ट लाइफ value and probability Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 4 probability Point zero five, point one zero, point three, point two five. पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन जीरो थ्री पॉइंट जीरो टू रेंज कभी भी डेसिमल में नहीं आता है रेंज इज नेवर इन डेसिमल्स डियर वो रेंज डेसिमल में नहीं लेना इसीलिए तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी करके उसको रेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है <laughs> अब क्यूमलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज तो तुम्ही को निकालना चाहिए तो फाइव है तो ध्यान में रखना ये रेंज देखना इधर जीरो 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 फोर अब मेरा तो इतना हाथ बैठा हुआ है कि मैं तो डायरेक्टली रेंज निकाल सकता हूं ठीक है ना सी एंड ऑफ द डे रेंज निकालना है क्यूमलेटिव प्रोबेबिलिटी एक जरिया है जिससे रेंज निकलता है बट अगर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो आप सीधा रेंज भी निकाल सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूं जैसे कि मैं कर रहा हूं समझे क्या तो दैट इज अपने को उसको कैसे प्रोसीड करना है सी अभी यहां पे देखो एक ये हो गया है। 5 से 14 आएगा ठीक है ही थ्रू जाए जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन फाइव एड करो जीरो पॉइंट फोर फाइव एड करो जीरो पॉइंट सेवन Eight five nine five nine eight one point zero zero ten. fair range zero zero say zero four. fair 5 say 14 44, 69 84 94 97, 99. 15 45 70 85 से 94 95 से 97 98 से 99 ठीक है चल ये दो चार मिनट दे रहा हूं फटाफट फ़ड़ देख लो कोई डाउट हो पूछ लो अदरवाइज विल मूव ऑन चलो डन सर रेंज जीरो जीरो से जीरो फोर में प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट जीरो फाइव कैसे आएगी ये देखो ये पकड़े गए ये लोग पकड़े गए क्योंकि ये लेट आया है है ना क्योंकि हम बाकी जो स्टार्टिंग से उसको ये डाउट आएगा ही नहीं तो ऐसे पहले लिखो सर मैं थोड़ा लेट आया सॉरी आप प्लीज मुझे बताएंगे क्या ये कैसे होगा क्योंकि ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं सर अब तू पकड़ा गया बेटा तो रेंज में यहाँ पे माइनस वन करना है अपने को वो सब का बात हो तो थोड़ा सा पुराना पहले देख ले फिरा वर तो ना वो रेंज सेट करने में तकलीफ होगी कोई बात नहीं बट रेंज सेट करते हैं ना हम लोग तो रेंज सेट करने में जो भी तरह क्यूम्यूलेटिव प्रॉबिलिटी है

अब दो चीजें हैं यहां पे स्टेटमेंट ऑफ सिम्युलेशन रिजल्ट आपको एक स्टेटमेंट बनाना है ऑफ सिम्युलेशन रिजल्ट स्टेटमेंट ऑफ सिम्युलेशन रिजल्ट्स अब रैंडम वैल्यूज के बेसिस पे सिमुलेशन रिजल्ट्स डालना है अपने को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन इसको सबसे पहले नंबर ऑफ रन्स आई थिंक टेन है रैंडम नंबर फॉर एनुअल कैश फ्लो रैंडम नंबर फॉर प्रोजेक्ट लाइफ रन सबसे पहला रन साथ में करेंगे अपन सब ठीक है सबसे पहला रन के लिए रैंडम नंबर उठाना पड़ेगा क्वेश्चन में देखो रैंडम नंबर दिया ही होगा एंड दैट इन दिस केस इज फाइव थ्री फोर सेवन नाइन तो आपने को ना वर्टिकली फर्स्ट दो दो नंबर उठाते जाने तो पहला दो पहला नंबर उठाया फिफ्टी थ्री हाउसिंग का नंबर फिफ्टी थ्री कट So, अब यहां पे मैं लिख दूंगा रैंडम नंबर फिफ्टी थ्री पहले क्या है अपना पहले अपना एनुअल कैश फ्लो अब जाओ फिफ्टी थ्री देखो क्या है कैश फ्लो में फॉल करता है जाके देखो रैंडम नंबर रेंज फिफ्टी थ्री में क्या फॉल करता है ना इसे थर्टी थाउजेंड सो वी विल से थर्टी थाउजेंड का कैश फ्लो फिर दूसरा दूसरा क्या है रैंडम नंबर दूसरा रैंडम नंबर नंबर नाइन्टी सेवन नाइन्टी सेवन को कट कर देंगे अपन इधर लिख लेंगे अच्छा ये क्या है इट इज प्रोजेक्ट लाइफ नाइन्टी सेवन फॉल कर रहा है नाइन्टी सेवन फॉल कर रहा है यहां पे नाइन सो नाइन इयर्स ठीक है अब डिस्काउंटिंग फैक्टर टेन परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर टेन परसेंट ठीक है बस तो करो अभी, वन वन वन, डिवाइड बाय पॉइंट एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ जी टी तो फाइव पॉइंट सेवन फाइव नाइन एंड फाइनली मिल जाएगा अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू सो ये कैसे आएगा एनुअल कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर माइनस वन लैख थर्टी थाउजेंड विच इज योर ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन में देखना ओरिजिनल कॉस्ट यहां पे है अपना वन लैख थर्टी थाउजेंड वन लैख थर्टी थाउजेंड सो थर्टी थाउजेंड नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस कैश आउटफ्लो के लिए अपन बहुत क्लियर है दैट इट इज वन लैख थर्टी थाउजेंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वो भी अपन लोग देख लेते हैं कितना आता है वो आ जाता है थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय फाइव पॉइंट सेवन फाइव नाइन थर्टी थाउजेंड इंटू फाइव पॉइंट सेवन फाइव नाइन वन सेवेंटी टू सेवन सेवेंटी माइनस थर्टी थाउजेंड किया तो आपको मिल जाएगा फोर्टी टू सेवन सेवेंटी फोर्टी टू सेवन सेवेंटी सर आर नंबर इट इज इज इट गिवन इन द क्वेश्चन ऑब्वियो अगर आर नंबर नहीं दिया होगा तो सब लोग क्या अपना अपना नंबर लेकर आएंगे तो कैसे चलेगा दीदी सो बस. So, बस ऐसा टेन सिमुलेशन रन है वो अपने को टेन सिमुलेशन रन कर रहा है ठीक है अब इसमें भी रैंडमली एक पिकअप कर लेगा और अपने को लो वो एनपीवी होगा सो so, इतना कोई लॉजिकल है नहीं बट बुक में दिया है तो अपन लोग कर रहे है. बट ठीक है कुछ रेलेवेंस वाइज आर नंबर इज गिवन इन क्वेश्चन अब ये हुआ एक रन का अब दूसरे रन का सेम टू सेम चीज करनी है अपने को दूसरे रन में वापस से पूरा एक्सप्लेन करूंगा बट अभी फ्लो में करने दो दूसरा रन है मेरा अभी ओके रैंडम नंबर देखो क्या है फिफ्टी थ्री फॉर सेवन हो गया 6699 तो नाइनटी नाइन अच्छा सिक्सटी क्या है थर्टी फाइव थाउजेंड नाइन्टी नाइन क्या है टेन ईयर्स ओ हो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट टेन परसेंट फॉर टेन ईयर्स डिस्काउंटिंग परसेंटेज टेन परसेंट फॉर टेन ईयर्स बोलो क्या आएगा वन डिवाइड बाय वन पॉइंट वन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस जी टी किया सिक्स पॉइंट वन फोर फोर सिक्स पॉइंट वन फोर फाइव रादर फोर फाइव ठीक है ठीक है अगेन यहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये तो फिक्स है वन लैक थर्टी थाउजेंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो थर्टी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय सिक्स पॉइंट वन फोर फाइव टू वन फाइव जीरो सेवन फाइव माइनस वन लैक थर्टी थाउजेंड एटी फाइव जीरो सेवन फाइव समझ एवरीबॉडी चल टन बस यार यही करते जाना है करते जाना है करते जाना है सम खत्म लेट्स इट अब बाकी का रन कौन करेगा करे वो आप लोगों के लिए होमवर्क है फिर देखो नेक्स्ट थर्टी एटी वन सो नेक्स्ट रैंडम नंबर उठाएंगे अपन थर्ड थर्टी एटी वन ऐसे ही चलते रहेगा ऐसे ही चलते रहेगा ठीक है हाँ अब मेरे को बताओ किस किस को नहीं समझा आई थिंक पलक को नहीं समझा है बाकी लोगों को समझा है? खाली पलक को नहीं समझा या बाकी सबको किसी को नहीं समझा क्या सीन है समझा अंडरस्टूड नाउ सर ओके क्लियर है ग्रेट है ग्रेट ग्रेट डन सुबह अभी थ्री से आगे लेकर टेन तक कर लेना दैट विल बी योर होमवर्क सो इधर मैं लिख देता हूं सिम्यूलेशन रन थ्री टू टेन इज योर होमवर्क कंफ्यूज हो गई थी पहले कोई बात कोई बात नहीं चलो अब आ रहे हैं अपन लोग अपने लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर क्या है वो लास्ट एस्पेक्ट डिसीजन ट्री तो ये भी अपने आप में एक गिलिंडर है एक कहानी है सिंपल है ये भी डोंट वरी मजा आएगा करने में डन हो जाए तो बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूं सौरभ अभी तेरे को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा वो थोड़ा रिव्यू देख पहले का लेक्चर देख लेना समझ जाएगा तेरे को Shalom guys, done eh? Uh yes, Iser in question, what are other columns? Manisha, I would like to meet you someday and would, would want to understand your diction. What are other columns? Which other columns are you talking about? Manisha? ये जो अदर कोलम कोलमnabla टोकिंग करो सर वन क्वेरी इन क्वेश्चन कितने सारे रैंडम नंबर दिए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से लेने हैं वही फर्स्ट दो ये सीक्वेंस में लेते जा दस जब खत्म होगा तो रुक जा ये सीक्वेंस में लेते जा नेक्स्ट सीक्वेंस फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट ऐसे सीक्वेंस में लेती जा फिर जब हो जाएगा कंप्लीट तो रुक जाना सिंपल जब तेरा दस टेस्ट रन हो जाएगा कंप्लीट फिर ये ठीक है चल चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आई थिंक इट विल बी कॉन्सेप्ट आई हाँ, आई इस कॉन्सेप्ट का नाम है डिसीजन ट्री चलो स्टार्ट करते हैं अपन डिसीजन ट्री में क्या होता पता है क्या तुम लोग ने वो ये सुना है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर तुम होती तो ये होता अगर तुम होती तो वो होता उन सांसों की रंजिश सो so, बस वैसा ही कुछ है डिसीजन ट्री अगर ये होगा तो क्या होगा अगर वो होगा तो क्या होगा तो यूजुअली आदमी जब फेल हो जाता है स्पेशली प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में सी ए सी ये सब तो वो ये सब बहाने देता है अरे यार अगर मेरे को और तीन महीना मिल जाता ना अगर मेरे को ये हो जाता ना तो ये हो जाता बट ये अगर मगर नहीं चलता है जिंदगी खाली डिसीजन ट्री में चलता है दैट इफ आपको अलग अलग लेवल का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है पे बेसिकली और कुछ नहीं सो so, एक स्टार्ट मिलेगा अगर आपने ये प्रोजेक्ट लिया तो आपका ये डिसीजन आएगा दूसरा स्टार्ट मिलेगा अगर आपने ये डिसीजन लिया तो ये आएगा फिर ये हुआ तो ये होगा ऐसा कुछ ठीक जस्ट एक क्रिएटिंग आइडिया इन फ्रंट ऑफ योर आइज दैट केस ऑफ डिसीजन ट्री देर आर वेरियस लेवल्स ऑफ थिंकिंग वेरियस लेवल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वैसा, और कुछ नहीं द so प्रोजेक्ट तो क्या होगा इफ वी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट तो क्या होगा वैसा अगर एक्सेप्ट किया तो कैपिटल कॉस्ट क्या होगा रिजेक्ट किया तो क्या होगा वैसा एक्सेप्ट करने में भी, भी दो कैपिटल कॉस्ट है सो so, माइफरकेशन आते जाएंगे वेरियस सीनारियोस आते जाएंगे सो डिसीजन ट्री में अक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस अक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस डिसीजनस Based on a diagrammatic format is called decision tree is called decision. इसमें भी अपने को सीधा क्वेश्चन एंड आंसर ही करना है बाकी इतना ग्रेट चीज है नहीं मतलब जैसा सिमुलेशन था सीधा अपने क्वेश्चन आंसर किया हो गया वैसे ही डिसीजन ट्री है आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर इलेवन एवरीबॉडी Question number 11. L and R Limited. Come on. Come to this question. Let's start. So L and R Limited wishes to develop a new virus cleaner software. The cost of files project would be 2,40,000. Presently, the chances of the product being successfully launched on a commercial scale are 40%. Agar commercially you at in case it does not succeed, L R can invest a sum of 20 lakhs to market the product. Such an effort can generate perpetually an annual net cash flow of 4 lakhs. Even if the commercial launch fails, they can make an investment of a smaller amount of 12 lakhs with the hope of gaining perpetually a sum of 1 lakh. Evaluate the proposals, adopting decision tree approach, discount rate is 10%. Kya? So this is how the question. स्टैट्स रीड कर लो एक बार रीड कर लो एक बार सब लोग क्वेश्चन को फिर साथ में स्टार्ट करेंगे

चल। स्टार्ट करेंगे सो so, ये रहा क्वेश्चन एन एंड आर लिमिटेड विशेज टू डेवलप अ न्यू वायरस क्लीनर सॉफ्टवेयर कॉस्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट वुड बी रूपीज टू लैख फोर्टी थाउजेंड सो इधर अपने को बनाना है एक डिसीजन ट्री ये है क्वेश्चन नंबर 11 का तो so, सबसे पहला क्या है सीन कॉस्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट मतलब समझते तुम लोग पायलट मतलब डेमो तो ये डेमो हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं है ना तो क्या हम लोग कर रहे हैं कि भाई अगर हमारा प्रोजेक्ट हम गोहेट करते हैं तो हम टेस्ट करना चाहते हैं और वो टेस्ट का खर्चा होगा टू पॉइंट फोर लैक फेयर इन फेयर इन फेर फिर आगे देखो क्या बोला है। Presently, the chances of the product being successfully launched ऑन कमर्शियल स्केल आर रेटेड एट at 50%। चांस ऑफ सक्सेस 50%। परसेंट तो इसका मतलब बचा हुआ चांस क्या हुआ चांस ऑफ फेलियर फिफ्टी परसेंट समझेगी नहीं चांस ऑफ सक्सेस ये अभी इधर आ गया मेरा बी पॉइंट सक्सेस पॉइंट फाइव फेलियर पॉइंट फाइव सी डी आगे देखते हैं

और ये बीस लाख इन्वेस्ट करके आ, फोर लाख कैश फ्लोज परपेचुअल मिल जाए या दूसरा है नो इन्वेस्ट इन्वेस्ट ही ना करूं मैं समझे क्या दूसरा ऑप्शन है मेरे पास नो इन्वेस्टमेंट एंड उसी के नीचे देखो डी एक और है उसके लिए क्या कुछ बोला है क्या देखो

न लैक कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है अगेन दूसरा ऑप्शन नो इन्वेस्टमेंट अगेन दूसरा ऑप्शन करो ही मत इन्वेस्ट और कुछ है क्या पॉसिबिलिटी टन इवेल्यूएट द प्रपोजल अडोप्टिंग द डिसीजन ट्री अप्रोच डिस्काउंटिंग रेट टेन परसेंट समझ में आया ये ट्री कैसे बनाया दो मिनट देखो निहारो बनाओ फिर वापस से मैं ये पूरा रब करूंगा फिर वापस से अपन साथ में पूरा बनाएंगे ठीक है चलो फिलहाल दो मिनट दे रहा हूँ बनार चल कुछ समझा थोड़ा थोड़ा समझा चलो वापस से इसको रिक्रिएट करते आओ।, आओ स्टार्ट करो सबको रीड करना एल एन आर लिमिटेड विशेष टू डेवलप अ न्यू वायरस क्लीनर सॉफ्टवेयर द कॉस्ट ऑफ पायलट या डेमो दो लाख चालीस हजार में टेस्ट करेगा वो टेस्ट किया तो सक्सेस होने के चांसेस फिफ्टी परसेंट फेलियर के चांसेस फिफ्टी परसेंट अगर सक्सेस हुआ तो वो चौबीस लाख रुपए इन्वेस्ट करके चार लाख का परपेचुअल कैश फ्लो लेगा लाख का इन्वेस्टमेंट करके चार लाख का परपेचुअल कैश फ्लो मिलेगा अगर फेल भी होता है तो भी बीस लाख का मार्केटिंग करके एक लाख का परपेचुअल कैश इनफ्लो लेगा या फिर इन्वेस्ट ना इन्वेस्टिंग समझे पहला टेस्ट दो लाख चालीस हजार में टेस्ट करो दूसरा ऑप्शन टेस्ट ना करो फिर अगर उसमें सक्सेस हुआ जिसका चांसेस है फिफ्टी परसेंट दूसरा है फेलियर जिसका चांसेस है फिफ्टी परसेंट अगर सक्सेसफुल हुआ मानो यदि तो फिर बीस लाख इन्वेस्ट करेंगे और कैश फ्लो फोर लाख परपेचुअल अदरवाइज नॉट टू इन्वेस्ट फिर यहां पे डी अगर इन्वेस्ट किया बारह लाख कैश फ्लो एक लाख परपेचुअल अदरवाइज नॉट टू इन्वेस्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर एवरीबॉडी अब ये डिसीजन ट्री बना है बस अब इसके बेसिस पे अपने को आगे करते जाना है काम वो कैसे करेंगे आओ, I'll let you know. बना बना लो लो ये एक बार बना लो और मुझे कंफर्म कर दो कि सर बना लिया है और अब क्या ना इसे देखे बिना भी, भी बना सकते हो सपोज ये तो अभी तुम लोग देखे बना रहे हो बट सपोज मैं ये वापस से रब कर दू तो भी तुम लोग बना पाओगे क्या परफेक्ट देन इट्स ओके चलो चलो रे सो गए क्या रे डाउट है तो पूछो वरना आगे बढ़ेंगे अब स्टार्ट करते हैं आगे नाउ द लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल नोड्स ठीक है ना अब तुम लोग ने अगर नोट किया होगा तुम लोग ने अगर नोट किया होगा तो बहुत सारे नोड्स बने हैं वाह 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 जेफे की यहाँ पे ये एक नोड है ये दूसरा नोड है ये तीसरा नोड है ये चौथा नोड है तुम लोग ने अगर नोट किया होगा तो अलग-अलग अलग नोड्स -अलग -अलग बने हैं एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट सो यर ये अलग अलग नोट को अपने को इवेल्युएट करना है इवेल्युएशन ऑफ ऑल नोट इवेल्युएशन ऑफ ऑल नोट्स सबसे पहला नोट इसमें कौन सा है बेटा नोड ए बट कभी भी आप रिवर्स आते हैं अपन नोड ए लास्ट में लास्ट से सो नोड ए के पहले नोड सी है और एक नोड डी है तो आई कैन सी और डी सेम लेवल पे तो तुम डी से भी स्टार्ट कर सकते हो सी से भी स्टार्ट कर सकते हो परवा नहीं जिससे तुम बोलो ठीक है तो चलो वी विल स्टार्ट विद नोड सी अब नोड सी को देखो एक तो नॉट टू इन्वेस्ट ठीक है दूसरा कि अगर इन्वेस्ट <coughs> किया बीस लाख तो कैश फ्लो आ जाएगा चार लाख परपेचुअल तुम लोग को ये पता है कि नहीं इंटर में पढ़े होगे तुम दैट अगर कैश फ्लोज आर परपेचुअल इफ कैश फ्लोज आर परपेचुअल परपेचुअल मतलब जिंदगी भर चलते रहेगा देन वैल्यू ऑफ द एसेट इज़ इक्वल टू कैश फ्लो अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी या जो भी उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर है सो नोड सी का कैश फ्लो कितना है फोर लैख उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है क्वेश्चन में देखो जरा डिस्काउंट रेट इज टेन परसेंट सो इट इज टेन परसेंट देर फॉर वैल्यू कैश फ्लोज इक्वल टू रुपीज फोर्टी लैख इक्वल टू रुपीज फोर्टी लैख समझ में आया ठीक है सो वैल्यू वाइज कैश फ्लो चालीस लाख आ रहा है और खर्चा कितना हो रहा है देर फर नोड सी में कैश इनफ्लो चालीस लाख कैश आउटफ्लो बीस लाख बीस लाख का इन्वेस्टमेंट है ना अपना समझे क्या तुम लोग इन्वेस्टमेंट सो देर फॉर नेट प्रेसेंट वैल्यू नोट सी पे आ जाएगा बीस लाख का सेम वे में नोट डी कैलकुलेट करो सेम वे में नोट डी कैलकुलेट करो सो so उसका भी देखो वैसा ही है कैश फ्लोज अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर अच्छा उसको परपेचुअल कैश फ्लोज कितना आ, रहे आ रहा है देखो उसको परपेचुअल कैश फ्लोज आ रहा है डिसीजन देख लो एक बात चाहिए तो उसको कैश फ्लो जा रहा है परपेचुअल बारह एक लाख सो वन लाख डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर टेन परसेंट यह आ जाता है रुपीज टेन लैक्स यह आ जाता है रुपीज टेन लैक्स सो कैश इनफ्लो रुपीज टेन लैक्स कैश आउटफ्लो बारह लाख तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपन टू लैख का लॉस है वी विल नॉट इन्वेस्ट रुपीज ट्वेल्व लैख बट क्या इसे ये इन्वेस्ट करेंगे अपन लोग Since NPV is positive, we will invest. Since NPV is positive, we will invest rupees twenty lakh. Like. Done. Mm -hmm. अब और डी हो गया अब क्या करोगे नोड बी पे एक और पीछे लेवल पे आ जाओ तो इधर अपन लोग आ जाएंगे नोड बी पे नोड बी को भी दो पार्ट में बोल सकते हो आप उसमें 0 .5, 0 .5 है सक्सेस वाला जो है ना वो पॉइंट फाइव है अगर सक्सेस होता है तो वो सक्सेस होने का एनपीवी कितना है ट्वेंटी लैख वो सक्सेस होने का एनपीवी है ट्वेंटी लैख और अगर वो फेलियर होता है और अगर वो फेलियर होता है तो उसका एनपीवी है जीरो क्योंकि अपन लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे राइट right. सो so, ये जीरो पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी लैख रुपीज टेन लैक प्लस जीरो सो so, आपको टेन लैख सक्सेस का फायदा होने का चांसेस है दैट इज वॉट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू नोड b देखो पहले नोड c का निकाला npv आया उसका 20 लाख नोड d का निकाला उसका npv आया जीरो तो हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया दोनों का चांसेस है 50 50% जो नोड b में बताया तो उसको हम लोग ने इवैल्यूएट कर दिया अभी अंडरस्टैंडिंग अब नोड a पे आ जा अभी इसी को कनेक्ट करते करते नोड a पे अपन लोग बोलेंगे कि भाई देखो नोड b अगर 10 लाख है और नोड a पे 2 लाख ,00, 40000 इन्वेस्ट करना है तो क्या खोटा कर लेते हैं यार क्या बोलता है पब्लिक सो वी विल से डिसीजन टू बी टेकन Decision to be taken based on two alternatives of node A, two alternatives of node A. Decision to be taken. Will be that देखो, टेस्ट रन करने का खर्चा कितना है टेस्ट रन करने का खर्चा दो लाख चालीस हजार है टेस्ट रन कॉस्ट दो लाख चालीस हजार टेस्ट रन कॉस्ट दो लाख चालीस हजार और दूसरा बेनिफिट टेन लैख सो नेट बेनिफिट सेवन लैख सिक्सटी थाउजेंड सेवन लैख सिक्सटी थाउजेंड सो एक्सेप्ट करना चाहिए द आंसर इज येस देर फॉर Decision to test should be accepted. Decision to test should be accepted. और चाहिए तो दूसरा भी अपन लोग लिख लेते हैं इफ वी डोंट टेस्ट वी विल लूज द अबाउ गेन इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी गेन लूज द अबाउ अपॉर्चुनिटी गेन বলোরে বোলো রে বলো রে বলো রে বলো डन चलो सो इवेल्युएट करते 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 इधर पहुंचे अपन की टेस्ट करना चाहिए सो so, जब आप डिसीजन ट्री बनाते हो यू थिंक फ्रंटवर्ड्स जब आप उसका वर्किंग करते हो तो यू स्टार्ट बैकवर्ड्स इज नॉट वी है डन

डी आया तो करना ही नहीं है इन्वेस्ट प्रोबेबिलिटी पॉइंट फाइव तो बी पे आ गया दस लाख बराबर दस लाख का बी पे है अगर ए लेता हूं मैं तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड का कॉस्ट तो ए पे सेवन लैख सिक्सटी थाउजेंड या टेस्ट ही ना करूं सो तो सा टेस्ट करूंगा सो तो ए पे दैट इज वेर आई स्टेट समझे अभी मैंने जो एक फ्लो अबाउट दैट्स ऑल अबाउट योर डिसीजन ट्री एंड इसी के साथ मैं बोल दू आपको ये मेरे सारे के सारे मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो ए टू आई थे वो सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं अब अपने को खाली समझ करना है और एक दो हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन है दो हाई लेवल के मस्त क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा वो एनपीबी के ऊपर बेस्ड है और उसमें थोड़ा बुक वैल्यू और वो सब कॉन्सेप्ट आता है वो मैं कराऊंगा एकदम फ्रेश हो गए तुम लोग तब कराऊंगा अदर देन दैट आई होप वी आर क्लियर यस एवरीबॉडी So, इसी के साथ मेरा आई तक कंप्लीट होता है एंड uh, yes, ये तुम लोग भी प्रॉपरली इधर तक नोट्स सेटअप कर लो अच्छा so, एवरीबॉडी चलो गाइज मूविंग ऑन अब सम्स करने बस कॉन्सेप्ट की चीजें हैं जो कराऊंगा मैं डोंट वरी बट अदर देन दैट हो जाएगा काम अभी अपना अब तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो इस चैप्टर को लेके हम्म mm यस -hmm. यस yes, बिल्कुल yes, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्टीन एवरीबॉडी कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन सो देखो एक्स वाई जी इज अ टैक्सी ऑपरेटर एंड ईच टैक्सी कॉस्ट फोर लैक यूजफुल लाइफ थ्री इयर्स टैक्सी इज ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर थ्री इयर्स एंड ऑलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज एज फॉलोज अपने को बताना है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड ऑफ टैक्सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज टेन परसेंट सो देखो अब अपने पास क्या ऑप्शन है सुनो अपन एक टैक्सी ऑपरेटर है अपन ने टैक्सी खरीदी कितने में चार लाख में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मिल गया नो टेंशन ठीक है टैक्सी का लाइफ कितना है तीन साल अगर मैं उसको एक साल यूज करने के बाद बेच देता हूं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 180 है पर जो सालवेज वैल्यू है वो 280 है दो साल यूज करके बेच देता हूं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट दो दस पर साल्वेज वैल्यू दो तीस तीन साल यूज करके बेचता हूं तो ऑब्वियसली साल्वेज वैल्यू कम हो जाएगा बट ऑपरेटिंग कॉस्ट ईयर इी का बढ़ जाएगा अपने को बताना है कौन सा बेस्ट रहेगा कौन सा बेस्ट रहेगा एक साल के बाद ही बेच दू दो साल के बाद या तीन साल के बाद दैट इज द डिसीजन दैट वी हैव टू मेक अभी क्लियर एवरीबॉडी क्वेश्चन समझ गया सिंपल है आओ, करते हैं सिर्फ एक चीज इसमें ध्यान में रखें इसके लिए मैं साथ में कर रहा हूं अदरवाइज तुमको ही बोलता था करने को ऑप्शन वन पहले चलो लिख भी लेते हैं सब इंफॉर्मेशन सो टैक्सी चार लाख की है लाइफ थ्री ईयर्स लाइफ उसका थ्री ईयर्स फिर और ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू दिया हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रीसेल वैल्यू दिया हुआ है ठीक है चलो अब स्टार्ट करेंगे कहानी को चलो अब कहानी को स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टैक्सी कितनी की है टैक्सी चार लाख की है सो सपोज फर्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर मेरे को फर्स्ट ईयर में निकालना हो तो मतलब फर्स्ट ईयर में मेरे को बेचना हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ टैक्सी टू बी सोल्ड आफ्टर वन ईयर इट्स सेल्फ आफ्टर वन ईयर इट्स सेल्फ तो एक साल के बाद ही अगर मैं टैक्सी को बेच दू तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैश आउटफ्लो में मेरे पास दो चीजें हैं, एक है चार लाख वो तो योर जीरो का है तो वो तो एज इट इज आएगा बट दूसरा है मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट वन लैख एटी थाउजेंड का ये जो वन लैख एटी थाउजेंड का ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट टेन परसेंट फॉर वन ईयर होने वाला है सो इट विल बी वॉट वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन एन पॉइंट नाइन जीरो एटी थाउजेंड इंटू पॉइंट नाइन जीरो नाइन प्लस चार लाख हो जाता है फाइव सिक्सटी थ्री सिक्स ट्वेंटी फाइव सिक्सटी थ्री सिक्स ट्वेंटी समझ में आया एवरीबॉडी ठीक है तो ये कैश आउटफ्लो अच्छा इनफ्लो तो मेरा रीसेल वैल्यू है मेरा इनफ्लो बोलो वो कितना है टू लैख एटी थाउजेंड सो ये टू लैख एटी थाउजेंड है बट एक साल बाद मिल रहा है पॉइंट नाइन ओ नाइन जो इसके लिए अप्लाई किया था टू लैख एटी थाउजेंड इंटू पॉइंट नाइन ओ नाइन सो टू फिफ्टी फोर फाइव ट्वेंटी सो अपने को मिल जाता है नेट प्रसेंट वैल्यू इट विल बी नेगेटिव थ्री जीरो नाइन वन हंड्रेड अगर टैक्स सोल्ड आफ्टर वन ईयर सेम अब आपको फाइंड आउट करना है तो अभी देखो ये मेरा हुआ एक ऑप्शन कि भाई तीन लाख नौ हजार एक सौ का नेट निगेटिव एनपीवी है Obviously, खर्चा ही ज्यादा हो रहा है तो ये एक मैं मैं कर लू। वैसे ही मैं दूसरा भी फाइंड करूंगा और मैं वैसे ही तीसरा भी फाइन कर right? so, तो थ्री लैख नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड का अभी फिलहाल खर्चा आ रहा है सेम वे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का नेगेटिव एनपीवी आप लोग फाइंड आउट कर लोगे प्लीज ट्राई करो आया तो ठीक नहीं आया तो ऑब्वियसली आई विल ज्वाइन इन कम ऑन इट अ ट्राई हाँ भाई तो ये समझ में आ गया अपने को गाइस बोलो यार बोलो हुँ हुँ। चलो सेकेंड और थर्ड का आंसर बोलो मेरे को गाइस कम जितना आया जो आया वो आया मैं एक्सेप्ट कर लूंगा तुम्हारे आंसर्स को ले ले ये बोलती है सेकेंड एंड थर्ड में कंफ्यूजन है सर ठीक है मैं बताता हूँ चलो स्टार्ट करते अब सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर में कुछ लोगों का आंसर आ गया है कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो लेट स्टार्ट विद दैट योर अगेन फॉर्मेट आपका यही रहेगा ठीक है इनफैक्ट मेरे को तो नहीं यही कॉपी कर लेना चाहिए मैं यही कॉपी कर देता हूँ फॉर्मेट अपना पूरा यही रहेगा इफ टैक्सी इज टू बी सोल्ड आफ्टर टू इस सेम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस अब नंबर तो अपन लोग को खुद करना ही है कैलकुलेट तो वो अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे आ आज चलो लेट स्टार्ट ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और इनफ्लो इनफ्लो In, में अपने को पता है भाई दो लाख तीस हजार आएगा इनफ्लो सो लेट्स राइट दैट डाउन टू लैख थर्टी थाउजेंड हाँ, टू थर्टी है ना रीसेल वैल्यू सेकेंड ईयर के बाद रीसेल वैल्यू भी अच्छा आ रहा है चल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भाई एक तो मेरा चार लाख तो गया वो गया यर जीरो का चार लाख जो गया वो तो गया फिर बाद में टू का कॉस्ट कितना है दो लाख दस हजार यर वन का वन एटी सो देखो एक लाख अस्सी हजार का कॉस्ट तो लगने ही वाला है उसके ऊपर पॉइंट नाइन ओ नाइन फिर दो लाख दस हजार का कॉस्ट तो लगने ही वाला है उसके ऊपर पॉइंट एट टू सिक्स बराबर है सो कहना से ये मेरा सब मिला के कॉस्ट हो जाता है बोलो कितना आता है फोर लैक इंटू वन वन एटी इंटू पॉइंट नाइन नाइन टू टेन इंटू पॉइंट एट टू सिक्स मेमोरी रिकॉल सेवन थ्री सेवन जीरो एट जीरो अच्छा कैश इनफ्लो हो रहा है कितना दो लाख तीस हजार का सो so, वो टू लाख थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय पॉइंट एट टू सिक्स क्योंकि वो अपने को मिल रहा है तीन साल बाद दो साल बाद टू थर्टी टू पॉइंट एट टू सिक्स वन एटी नाइन नाइन एटी मेरे बोलो कितना बचता है वन नाइन नाइन एटी जीरो एट जीरो आ जाता है फाइव फोर्टी सेवन वन हंड्रेड निगेटिव बताओ कोई शक किसी को इसमें इसमें किसी को कोई शक बोल अभी पलक जी क्या डाउट आ रहा है अभी तेरे को एंड सेम वे अपन लोग बना लेंगे थर्ड ईयर का अब तो कट कॉपी पेस्ट है सीधा यार बैठा बैठा कट कॉपी पेस्ट है अभी तो बैठा बैठा नाउ इफ इज टू बी सोल्ड ऑफ थ्री क्लियर नाउ ओके सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे एक्चुअली है ना इसमें अब मेरे को ये वाला लेना चाहिए खाली इंक्रीमेंटल फिर लिखना पड़ेगा थर्ड एनपीवी इफ टैक्सी इज टू बी सोल्ड आफ्टर थ्री सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पहले देखते हैं कितना आता है देखो कितने में बिक रहा है लास्ट ईयर में टू वन सिक्सटी एट वन सिक्सटी एट इन टू वन 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 डिवाइड बाय पॉइंट एक दो तीन पॉइंट सेवन फाइव वन इंटू वन सिक्सटी एट तो वन ट्वेंटी सिक्स टू टू वन वन ट्वेंटी सिक्स टू टू वन एंड बाकी ये तो ये दोनों तो है ही इसी में अपन और एक ऐड कर देते हैं एंड दैट इज टू थर्टी एट टू थर्टी एट का खर्चा होगा बट बहुत लेट होगा कब पॉइंट सेवन फाइव वन सो सेवन थ्री सेवन जीरो एट जीरो टू थर्टी एट इंटू पॉइंट सेवन फाइव वन प्लस सेवन थ्री सेवन जीरो एट जीरो तो ये आता है नाइन वन फाइव एट वन एट आई मे बी रॉन्ग प्लीज तुम लोग चेक कर लेना यार नाइन वन फाइव एट वन एट ठीक है अब बोलो एनपीवी कितना आता है नाइन वन फाइव एट वन एट माइनस वन टू सिक्स टू टू वन सेवन एट नाइन फाइव नाइन सेवन तो सेवन एट नाइन सिक्स हंड्रेड सेवन एट नाइन सिक्स हंड्रेड अवी क्लियर एवरीबॉडी अभी क्लियर एवरीबॉडी एवरी अब सुनो अब मेरे पास तीन नंबर्स आ गए हैं एनपीवी इफ सोल्ड आफ्टर वन ईयर दूसरा एनपीवी इफ सोल्ड आफ्टर टू ईयर्स एनपीवी इफ सोल्ड आफ्टर थ्री ईयर्स ठीक है, सो अब तीनों सिचुएशन देखो इफ सोल्ड आफ्टर थ्री इयर्स सेवन एटी नाइन सिक्स हंड्रेड सोल्ड आफ्टर टू इयर्स फाइव फोर्टी सेवन वन हंड्रेड एंड पहला वाला थ्री जीरो नाइन वन हंड्रेड अब ध्यान से सुनना मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं ध्यान से सुनना मैं आपको जो बताने वाला हूं सपोज मैं आपके पास कोई गाड़ी बेचने के लिए आया ठीक है एक गाड़ी एक साल यूज हुई है यूज हुई हुई है दूसरी गाड़ी दो साल यूज हुई हुई है तीसरी गाड़ी तीन साल यूज हुई हुई है ठीक है तो क्या ये डायरेक्टली कंपेरेबल है क्या ठीक है मैं एक गाड़ी आपके पास लेकर आया और मैं आपको बोला एक साल यूज हुई है ये गाड़ी तीन लाख नौ हजार एक सौ में बेचूंगा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं दूसरी गाड़ी लेकर आया वो दो साल यूज हुई हुई है बट उसको मैं आपको बेचूंगा like में और तीसरी गाड़ी सेवन एटी नाइन सिक्स हंड्रेड में बट तीन साल यूज हुई है क्या ये तीनों कार्स का जो कॉस्ट है वो कंपेरेबल है क्या द आंसर इज नो एक एक साल के यूजेज का कॉस्ट है एक दूसरे साल का है दो साल के यूज का कॉस्ट है एक तीन साल के यूज का कॉस्ट है तो इन तीनों को कंपेरेबल बनाना है Then in that case, को क्या करना पड़ेगा ना इसे इस एक लेवल पे लेकर आना पड़ेगा इन तीनों को समझे क्या सपोज मेरा कोई एक म्यूचुअल फंड है देखो मैं आपको एक म्यूचुअल फंड से एग्जांपल बता रहा हूं ठीक है एक म्यूचुअल फंड ए है उसने एक साल में रिटर्न दिया बारह टका ठीक है सर मेरे पास एक दूसरा है म्यूचुअल फंड बी इसने तीन साल में रिटर्न दिया फोर्टी टू परसेंट मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है सी जिसमें पांच साल में रिटर्न दिया एटी फाइव परसेंट और यह ले लो चलो फोर्टी फाइव परसेंट अब आप मेरे को बताओ क्या आप ये फोर्टी फाइव परसेंट देखकर डिसीजन ले लोगे क्या कि अरे फोर्टी फाइव परसेंट बेस्ट है फोर्टी फाइव परसेंट सबसे ज्यादा है उसी को ले लो

अब क्या करोगे अब क्या करोगे क्या सबको वन ईयर पे लाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे ट्वेल्व डिवाइड बाय वन करोगे फोर्टी टू डिवाइड बाय थ्री कर दोगे फोर्टी फाइव डिवाइड बाय फाइव कर दोगे, दोगे समझ लो तब जाके तुम्हारा ये कंपेरेबल होगा कि भाई ये तो एक्चुअली फोर्टी फाइव दिख रहा है बट है नाइन परसेंट ही दे रहा है ये फोर्टी टू वाला कुछ ट्वेल्व पॉइंट पॉइंट फाइव परसेंट दे रहा है फॉर एग्जाम्पल और ये खाली ट्वेल्व परसेंट दे रहा है अब इसमें अपने को पता चलता है यार ये तो मशीन बी बेटर है मशीन बी बेटर है तो क्या किया अपन लोग ने अलग अलग इयर्स को एक ईयर पे ले आया बाय डिवाइडिंग इट विद द नंबर ऑफ इयर्स इट हैज बीन यूज्ड विद द नंबर ऑफ इयर्स इट हैज बीन यूज्ड यूज यहां पे भी ये जो तीन लाख नौ हजार एक सौ है ये एक साल के बाद का कॉस्ट है बट वी कैनॉट कंपेयर दिस कॉस्ट विद अ मशीन जिसको दो साल हो गया या मशीन जिसको तीन साल हो गया उसके तीन साल का उतना कॉस्ट है 789, 600, तो एक साल का कितना डिवाइड बाय करना पड़ेगा इफेक्टिवली बट बिकॉज वी आर डूइंग कैपिटल बजटिंग यहाँ पे ये दो साल का कॉस्ट है फाइव फोर्टी सेवन वन हंड्रेड तो एक साल का कितना ये एक साल का कितना समझे क्या बट बिकॉज वी आर डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट टेन परसेंट थ्री समझ में आया वन डिवाइड बाय पॉइंट वन ये हो जाता है पॉइंट नाइन ओ नाइन वन पॉइंट सेवन थ्री सिक्स टू पॉइंट फोर एट सेवन डन सो अब ये कंपेरेबल हुए समझे क्या so, इधर मैं लिखवा देता हूं the costs at all three levels are not comparable because they are of different duration so first we will bring them all at a annual level and then compare as we can see from above the cost of first machine is for one year Whereas the second part, it is for two years. And in third part, it is for three years. Therefore, they are not comparable. And we will bring them at a comparable level by dividing it by their number of years. But because we are using capital budgeting, we will divide it by the present value annuity factor of the number of years. And then make them comparable. and amongst them the lowest cost will be our final decision hey bye गाइज सो ये मेरा कितना आता है देखो kitna aata hai dekho वन हंड्रेड डिवाइड बाई पॉइंट नाइन जीरो नाइन ठीक है इसको थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फोर थ्री फोर्टी जीरो फोर्टी फोर ये हुआ एक वन फाइव थ्री थ्री वन ये हुआ दूजा एन थ्री वन सेवन सिक्स थ्री नाइन ये हुआ तीजा क्लियर एवरीबॉडी आर यू डन समझ में आया सबको इसमें से चूज करेंगे अपन ऑप्शन टू इसमें से चूज करेंगे अपन ऑप्शन सी क्यू क्योंकि क्यों क्यों लोएस्ट कॉस्ट है इसको क्या बोलते हैं पता है पते? ये सारे को बोलते हैं चलो चलो समझ में आया ये सारे को बोलते हैं एक्सपेक्टेड एनुअल कॉस्ट so, Bye. we will use the eac equated annual cost present value of cash outflow divided by present value annuity factor number of years lower the Better lower the better. Hey, something to do. So upon willing, therefore, we will choose alternative two as it costs the.

चलो डन गाइस चलो अब या टेक अ शॉर्ट ब्रेक सुनो अभी तुम लोग कॉपी कर लो नोट्स डाउनलोड करके लिख लो समझ लो डाउट हो तो पूछ लो इफ नॉट वील नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द न्यू क्वेश्चन चलो सी चलो चलो वील रैपअप टू डे सेशन यस आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स एंड कंप्लीट कर लीजिए एंड टाइम फॉर मीडू से विस्तार चलो बाय. ठीक है ओके okay, डन